नमस्कार, बुलंद भार देख रहे हैं आप और सुबह के लगभग 5:30 बजे के आसपास का समय हो चुका है। अभी हम जहां पर भारत यात्री विश्राम करते हैं उसी कैंप साइट पर मौजूद हैं और आज 115वां दिन भारत जोड़ो यात्रा का हो गया है। 10 जनवरी आज तारीख है। यहां से थोड़ी दूरी पर ही अम्बाला कैंट शाहपुर से आज की भारत यात्रा की शुरुआत होगी। राहुल गांधी भी जल्द ही वहाँ पर पहुँच रहे हैं। दूसरे भारत यात्री जिनको ऑफिशियल वाहन से जाना होता है वो यहाँ से निकल चुके हैं और कुछ भारतीय यात्री जो पीछे रेस्ट कर रहे हैं कुछ ही देर में वो निकलने वाले हैं। उनके पास अपना खुद का व्हीकल है, उन व्हीकल से वो निकलेंगे और 6:15 बजे जो भारत यात्रा का प्रारंभ होगा वो वहाँ तक पहुँचने में अपने आप अपने व्हीकल का यूज़ करके उस यात्रा में अपने आप को शामिल करेंगे। सुबह हम जल्दी उठ गए थे और पीछे आप देख पा रहे होंगे पीछे एक और पंडाल लगा हुआ है, वहाँ पर पीने के लिए चाय थी, हल्का स्नैक्स दिया गया था, गर्म पानी था, जिन्होंने चाय पीनी थी चाय पिया, गर्म पानी पिया और फ्रेश हो गए। हम भी फ्रेश हो के अब आ गए हैं, यहाँ से लीव करने के लिए हम तैयार हैं। यहाँ से थोड़ी दूरी के बाद ही डिस्टेंस कवर करने के बाद हम स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँचेंगे जहाँ से राहुल गांधी आज 115वें दिन की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। वहाँ से शुरुआत होने के बाद मैं पूरा घटनाक्रम वहाँ का दिखाऊंगा कि लोगों में इस नई जगह पर नए जोश के साथ किस तरह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन होता है। उसके बाद 10:30 बजे सैनी भवन अम्बाला में हॉल्ट होगा। हॉल्ट होने के बाद वहाँ से तमाम भारत यात्री और राहुल गांधी भी हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर जाएंगे। वहाँ पर हरियाणा कांग्रेस और पंजाब कांग्रेस के बीच में ध्वज हस्तांतरण होगा क्योंकि आज हम पंजाब में एंट्री करने वाले हैं और 3:30 बजे ये पूरा कार्यक्रम होगा हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर। उस बीच हरियाणा और पंजाब के कांग्रेस में ध्वज रोहण होगा। राहुल गांधी भी जनता को संबोधन करेंगे, पंजाब और हरियाणा कांग्रेस के दूसरे आला नेता भी जन संबोधन करेंगे और भारत जोड़ो यात्रा में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और किस तरीके से अपने मोटो को लेकर राहुल गांधी जी चल रहे हैं उसका संदेश देने के बाद फिर वो 3:30 बजे हरियाणा और पंजाब बॉर्डर से यात्रा को रिज्यूम करेंगे। आज का नाइट स्टे रात में रात्रि विश्राम होगा सरहिंद की नई अनाज मंडी में फतेहपुर साहिब में, वहां का दर्शन भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। सुबह सुबह का टाइम है, सभी भारतीय यात्री जो ऑफिशियल व्हीकल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से चलते हैं उनमें जो लंबी दूरी डिस्टेंस तय करके आते हैं वो जा चुके हैं। कुछ भारतीय यात्री हमारे साथ मौजूद हैं, ये सभी जल्द ही यहाँ से निकल रहे हैं, सब रेडी हो गए हैं, फ्रेश होकर चाय वाय पी ली है और अब कुछ ही देर में जो राहुल गांधी की भारत यात्रा यहाँ से शुरू हो रही है उसके साथ बने रहेंगे। थोड़ी देर में मैं वहाँ का पूरा परिदृश्य आपको दिखाऊंगा। कैंप साइट का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तमाम भारत यात्रियों के साथ आप देख रहे थे बुलंद भारत। नमस्कार।